कोरोना मरीजों से इलाज के नाम पर वसूले गए ज्यादा पैसे। थाने मनपा कमिश्नर करेंगे इन अस्पतालों पर कार्रवाई। रहा टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों ने कोरोना मरीजों से इलाज के नाम पर पैसों की लूट मचा रखी थी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान ठाणे महानगर पालिका ने ठाणे, कलवा, मुमरा, दीवा और भी ऐसे कई जगहों पर कई अस्पतालों को कोविड-19 यानी कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए घोषित किया था, मगर कोरोना मरीजों से अस्पतालों ने इलाज के नाम पर ज़्यादा पैसे लिए। कई अस्पतालों पर ज़्यादा पैसे लेने का आरोप लगा। बाद में सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रेड कार्ड भी जारी किया, मगर मनपा ने रेड कार्ड के अनुसार ही इलाज के पैसे लेने की अनुमति दी थी, मगर उसके बावजूद ठाणे, कलवा, मुमरा में कई अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने रेड कार्ड को दरकिनार करते हुए कोरोना मरीजों से पैसे वसूले हैं। मनपा प्रशासन को अस्पतालों की काफ़ी शिकायत मिली, जिसके बाद मनपा कई अस्पतालों को नोटिस दिए कि जिन मरीजों से पैसे ज़्यादा लिए गए हैं उनके पैसे लौटा दें, और कई अस्पतालों ने आज्ञा का पालन किया और पैसे भी वापस लौटाए, मगर अभी भी 17 अस्पताल ऐसे हैं जो पैसे नहीं लौटाए हैं। इन अस्पतालों के बिल मनपा ऑडिट कर रही है। 3 से 4 महीने के जो बिल हैं सभी ऑडिट किए जा रहे हैं। इसी में एक मुमरा का भी अस्पताल शामिल है। आपको बता दें कि मनपा ने मुमरा के कालशेखर अस्पताल को भी कोविड-19 यानी कोरोना मरीजों के इलाज के लिए घोषित किया था, और कालशेखर अस्पताल पर भी मरीजों से ज़्यादा पैसे लेने का आरोप लगा है। मनपा कमिश्नर विपिन शर्मा का कहना है कि अस्पताल खुद जिन मरीजों से पैसे लिए हैं उन्हें बुलाकर पैसे वापस कर दें, नहीं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में हमने बात की कालशेखर अस्पताल की सीईओ आफरीन सौदागर से। आफरीन सौदागर का कहना है कि हमने ज़्यादा पैसे नहीं लिए हैं, और मनपा में कालशेखर अस्पताल की बिल भी ऑडिट की जा रही है। अगर हमने ज़्यादा पैसे लिए हैं तो हम पैसे वापस लौटा देंगे, मगर वहीं मनपा कमिश्नर विपिन शर्मा का कहना है कि हमारे कार्रवाई करने से पहले अस्पताल पैसे वापस लौटा दे, वरना कार्रवाई अस्पतालों पर की जाएगी। सर काय सांगाल, आपण अनेक रुग्णालयांच्या वर धाडी टाकलेले आहेत आणि रुग्णांची बिलं आतापर्यंत त्यांना सुरू झाली आहेत, किती कोटींची बिलं आहेत, किती रुग्णालयं आहेत, त्यांच्यावर काय कारवाई करणार आहे? ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रात जसा जसा कोविडचा प्रादुर्भाव वाढत गेला त्या अनुषंगाने आम्ही काही हॉस्पिटल्स कोविड हॉस्पिटल म्हणून घोषित केले आणि कोविडचे पॉझिटिव्ह रुग्णांचा तिथे ट्रीटमेंट सुरू झाला। त्यामधून अशी तक्रारी येऊ लागल्या की काही रुग्णालय या रुग्णांकडून शासनाने जे दर ठरवून दिलेले आहेत प्रतिदिवसचे त्यापेक्षा जास्त पैसे घेत आहेत, आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदयाने देखील याची दखल घेतली आणि माननीय पालकमंत्री महोदयांनी याबाबत जे सूचना केली त्या अनुषंगाने ठाणे महानगरपालिकेमार्फत आम्ही ऑडिट टीम्स तयार केले आणि या सर्व हॉस्पिटल्सचे बिलाचे ऑडिट करून घेतले। ही ऑनगोईंग प्रोसेस आहे। आजपर्यंत जवळपास 4,500 बिलांचे आमच्या ऑडिट टीम्सने ऑडिट केलेले आहेत। जवळपास 1,300 जास्त बिलामध्ये अधिकची रक्कम घेण्यात घेतल्याचे समोर आलेले आहेत। त्या त्या हॉस्पिटल्सला ह्या यादीसह आम्ही नोटिसा काढून ते अधिकची घेतलेली रक्कम त्या त्या पेशंट्सना परत करण्याचे आदेश दिलेले आहेत आणि ती कारवाई सुरू आहे। जवळपास 1,80,00,000 रुपयाची अधिकची जी रक्कम घेण्यात आलेली दिसून येते त्यापैकी जवळपास 35 ते 40% रक्कम या पेशंट्सकडे परतसुद्धा हॉस्पिटल्सने केलेली आहेत आणि ही कारवाई चालू आहे। आमच्यासह याच्यामध्ये एक धोरण आहे की जोपर्यंत अधिकची घेतलेली सर्व रक्कम त्या त्या पेशंट्सना परत होत नाही तोपर्यंत आमची ही मोहीम सुरूच राहणार आहे। सर या हॉस्पिटलवर काही कारवाई करणार येणार का, कारण की आधीच्या हॉस्पिटलवर आपण 1 महिना बंदीची कारवाई केली होती? आता याच्यामध्ये मूळ विषय असा आहे की ऑडिट मोहीमचा प्रमुख जो एम होता, प्रमुख उद्दिष्ट होता, हा हॉस्पिटल्स बंद करणार नव्हे तर शासनाने दिलेले जे वाजवी दर आहेत त्याचं अनुपालन होत आहे की नाही हे सुनिश्चित करणे होता। ज्या हॉस्पिटल्स या मोहिमेमध्ये ज्यांचे बिल आम्ही तपासले आणि ज्यांनी स्वतःहून आमच्या ऑडिट टीमचे अहवालाप्रमाणे अधिकचे पैसे परत करण्याची सुरुवात केलेली आहे त्याच्यावर वेगळा काही कारवाई करायची आज रोजी आवश्यकता नाही, कारण की याचा उद्देश हॉस्पिटल बंद करणार नव्हता, फक्त अवाजवी जे घेतलेले बिले आहे ते पेशंट्सला परत करावे आणि यापुढे कुठलेही हॉस्पिटल नाही शासकीय दरापेक्षा जास्त दर आकारू नयेत हे त्याचा मूळ उद्देश होता। सर आज उद्धव ठाकरे यांचा दौरा आहे, माननीय मुख्यमंत्री येणार आहेत, काय नेमकं आढावा घेणार आहेत? आज ठाणे महानगरपालिकामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचा आढावा दौरा होणार आहेत।
त्यासोबत आपले जिल्ह्याचे सन्माननीय पालकमंत्री महोदय, तसेच गृहनिर्माण मंत्री महोदय, तसेच पर्यावरण। कोरोना महामारी में जिन हॉस्पिटलों को कोविड-19 के लिए घोषित किया गया था, उनके हॉस्पिटल के जो बिल वो ठाणे महानगर पालिका द्वारा ऑडिट की जा रही है, उसमें आपके हॉस्पिटल का भी नाम है कि मरीजों से जो है ज़्यादा पैसा लिया गया है, तो आपके हॉस्पिटल का भी नाम क्या कहेंगे? हमारे हॉस्पिटल का नाम इसलिए नहीं है या सारे हॉस्पिटल का नाम इसलिए नहीं है कि मरीजों से ज़्यादा पैसा लिया गया था। एक कॉमन कंप्लेंट आए थे स्थानीय हॉस्पिटल कॉरपोरेशन को कि कुछ हॉस्पिटल ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हमारे ऑनरेबल CM साहब ने और हमारे ऑनरेबल कमिश्नर ने ऐसे डिसाइड किया था कि सारे हॉस्पिटल जो है BMC और TMC के अंदर जो आते हैं उनका सबका ऑडिट होगा और एक ऑडिट टीम वहाँ पर उन्होंने अपॉइंट की हुई है। तो ये बात तो बहुत गलत है कि कंसीडर पे ऐसा कुछ कंसीडर पे ऐसा इंजाम नहीं है, बल्कि ऐसा एज अ प्रिवेंटिव मेजर कि कौन कौन लिया है वो देखने के लिए उन्होंने एक ऑडिट टीम दिखाई दी है और सारे हॉस्पिटल्स के बिल्स ऑडिट हो रहे हैं, उसमें हमारे भी बिल्स ऑडिट हो रहे हैं। मई मंथ के पूरे बिल्स ऑडिट हो चुके हैं। जून का है क्योंकि 1200-1500 पेशेंट्स हैं और हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, तो उनकी जैसे जैसे टीम से फोन आता है वैसे वैसे हमारे बिल सबमिट होते जाते हैं और उस हिसाब से ऑडिटिंग चल रही है। अगर आपके हॉस्पिटल का भी ज़्यादा आता है कि आपने ज़्यादा पैसे लिए, तो क्या आप उन मरीजों के पैसे वापस करेंगे? आप कि वो वहाँ पे जो है जो ऑडिट हो रहा है वो दो तरीके से हो रहा है। एक तो पहले जो थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से एक नोटिस निकला था रेट कार्ड का, उस हिसाब से हो रहा है 20 मई तक, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल 5 मई को चालू हुआ था, तो 5 मई से 20 मई तक जो बिल्स ऑडिट हो रहे हैं वो उस सर्क्यूलर के हिसाब से हो रहे हैं। और 20-21 मई को हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं उन्होंने CM साहब ने एक रेट लिस्ट निकाली थी, तो 20 मई के आगे से उनका ऑडिट हो रहा है। तो अगर अल्लाह न करे ऐसा होता है कि हाँ यहाँ इस बिल में हमको ज़्यादा देना पड़ेगा और वो जो जस्टिफिकेशन है वो हम लोग सबमिट करते हैं, अगर उसके बाद भी ऐसे बनता है कि कॉर्पोरेशन ने ज़्यादा लिया है तो ऑफकोर्स हम रिटर्न करेंगे, बट जहाँ तक जो हमारी इंटरनल ऑडिटिंग की बात है हम लोगों ने सबको आज तक CM रेट ही चार्ज किया हुआ है, तो शायद वहाँ पे नहीं मिलते। 17 अस्पतालों के नाम इस मामले में सामने आए हैं। अगर अस्पताल रेड कार्ड के अनुसार पैसे लिए हैं तो ठीक है, अन्यथा ज़्यादा पैसे लिए हैं तो मरीज़ या उनके परिजनों को ये पैसे वापस कर दें, नहीं तो ठाणे महानगर पालिका इन अस्पतालों पर कानूनी कार्रवाई करेगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।